हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं थर्मल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। तो हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस टॉपिक पढ़ रहे थे, और जो भी टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर किया था आज उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, पूरी काइनेटिक थियरी को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 10 से 11 क्वेश्चन जो पूछे गए उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना कोई बात की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये सारे टॉपिक तो पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 में ही हमने ये सब कुछ किया था, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस और प्रेशर का फार्मूला, इससे जो भी और डिफरेंट फार्मूले निकलते थे, गैस लॉज वगैरह, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, पिछली क्लास में। और उसके बाद हमने ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ लिया था, जिसमें एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। हमें आज से यहां से स्टार्ट करना है, स्पेसिफिक हीट से। तो एक बार शॉर्ट में इन सब को रिवाइज कर देते हैं, वैसे तो अभी पिछली वीडियो में आपने देखा ही था। स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला है, C is equal to delta Q upon m into delta T। वैसे तो डेल्टा क्यू जो है वो पूरे m मास के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो है, लेकिन जब आपने इसको मास से डिवाइड कर दिया तो अब ये पूरी चीज जो निकल के आ रही है वो पर यूनिट मास के लिए होगी। ये क्या होगी? पर यूनिट मास के लिए। तो अगर m मास के लिए आपको डाटा दिया है और आपको पर यूनिट मास के लिए निकालना है तो आपको मास से डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी मास 1 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, तो यहां पर m की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो आप डिवाइड कर रहे थे हमसे। तो ये जब ये 1 हो जाएगी तो q अपॉन में t आ जाएगी, ठीक है। तो वो यूनिट मास के लिए आपका ये डिफाइन हो जाता है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फार्मूला है कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमें यहां मास दिया है अगर हम उसको मास के टर्म में न लिख करके, मतलब ग्राम किलोग्राम में न लिख करके नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिखें, तो ये जो चीज निकल के आती है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर आपको इनिशियली डाटा में मान लीजिए म्यू मोल की बात ना करी जा रही थी, एक ही मोल की बात थी, तो आपको म्यू की जगह पर 1 रखना होगा। और अगर म्यू मोल की बात करी जा रही थी तो इस पूरी हीट को म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों ही केस में एक ही मोल के लिए आंसर निकल रहा है, आपको इसमें सोचना नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक है। अगर म्यू मोल के लिए हीट दिया हुआ है तो क्यू अपान म्यू करने पर ये यूनिट मोल के लिए हो गया, पर यूनिट मोल हो गया। और अगर आपको 1 शुरुआत में दिया तो 1 आप यहां रख लीजिए, तो क्यू अपान में टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो क्यू अपान टी, म्यू की वैल्यू 1 लेने पर सी इक्वल टू जो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी या डी क्यू अपान डी टी आएगा, इसी को हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसके ऊपर हम आगे सवाल करेंगे। और अगर ये सारी बात हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर करें तो इसका नाम सीपी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर करें तो इसका नाम सीवी हो जाएगा, ठीक है। गैसों की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसेस फॉलोड। जो भी प्रोसेस को आपने फॉलो किया है गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए, उसके बेसिस पर स्पेसिफिक हीट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक एग्जाम्पल है, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो हीट एक्सचेंज 0 हो जाएगा, जैसे इसको 0 रखेंगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और आइसोथर्मल की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर को 0 रखेंगे तो सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट का ये वैल्यू ये दिखा रहा है कि 0 से लेकर इनफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनसे आप गैस को प्रोसेस कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए। जो भी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। तो गैसों की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, सिर्फ 0 और इन्फिनिटी नहीं होती, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये जो सीपी और सीवी है, सीपी और सीवी का डिफरेंस आपको याद रखना होगा। रियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर 1 प्लस 2 ए अपॉन आर टीवी होता है, और अगर आइडियल गैस की बात करें तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखे गए हैं, इसका मतलब कि ये एक मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक मोल की बात कर रहे हैं। तो एक मोल गैस के लिए सीपी और सीवी का डिफरेंस, सीपी और सीवी का डिफरेंस, ये रियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस के लिए, इसी को हम लोग मेयर का फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी आइडियल गैस के लिए सीपी और सीवी का डिफरेंस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के टर्म में लिखना है तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू टी ई अल्फा स्क्वायर भी होता है। यहां ई को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये जो अल्फा इसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। बाकी ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि गैस जो आइडियल गैस होती है वो रियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, कब? जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत ही लो। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आपकी जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं, और आइडियल गैस जो कि गैस लॉज को जैसे फॉलो करते हैं वैसे आपकी रियल गैसेस भी गैस लॉज को फॉलो करने लगती है। चलिए, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ पर हम लोग पहुंच गए थे और मीन फ्री पाथ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सारे लोग आ गए, कुछ लोग को नहीं पता चल पाया होगा कि दोबारा से लाइव हो गया है, ठीक है। चलिए,
मीन फ्री पाथ, तो सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन, सॉरी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ के फार्मूले की बात कर रहे थे, वन अपॉन रूट टू पाई एन डी स्क्वायर। यहां पर ये जो एन है वो क्या है, ये है आपके नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब जैसे मास डेंसिटी होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग मास डेंसिटी या डेंसिटी बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम नंबर डेंसिटी स्मॉल एन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर, इसमें गैस है और गैस में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कैपिटल एन है। इस पूरे कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल एन है और जो इस पूरे गैस का मास है वो है कैपिटल एम, और पूरे कंटेनर की जो का वॉल्यूम है वो है वी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास निकालेंगे उसको हम मास डेंसिटी बोलेंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे उसको हम नंबर डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर और ये पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो ये आपकी नंबर डेंसिटी हो गई। डी है मॉलिक्यूलर डायमीटर, ये जो मॉलिक्यूल है या एटम है उनके डायमीटर की बात हो रही है, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। एम स्मॉल एम जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और रो जो है वो डेंसिटी हो गई, और के को आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी आपको ये समझना है कि मीन फ्री पाथ का ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से इस फार्मूले में और इस फार्मूले से इस फार्मूले में कैसे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हो सकता है आपको भूल जाए, ये वाला तो सबको याद ही होगा, वन अपॉन रूट टू पाई एन डी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहां से यहां और यहां से यहां कैसे कन्वर्ट होना है, इसके ऊपर पीजीटी के एग्जाम में, डिफरेंट पीजीटी के एग्जाम में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको पता है कि n मॉलिक्यूल के लिए जो गैस का इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन n मॉलिक्यूल के लिए, तो आपने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना, स्मॉल n k और t, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था n k t, ये हमने स्मॉल n मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा था। यहां पर टोटल जो मॉलिक्यूल है वो कैपिटल n है, तो हमें यहां पर लिखना होगा n बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k और t, है ना। और आप देखिए ये जो स्मॉल n लिखा हुआ यहां पर, अगर आपको ये स्मॉल n कैलकुलेट करना हो तो स्मॉल n का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में को आप, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल n। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका कैपिटल n लिखा हुआ है और यहां पर v लिखा हुआ है, तो अगर हम v को इधर ले जाएं तो आपको मिलेगा p इज इक्वल टू n अपॉन v, और यहां पर मिलेगा k इंटू t, और ये n अपॉन v को हम स्मॉल n नंबर डेंसिटी लिख देंगे। तो जब आप इसको नंबर डेंसिटी करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n k और t, और यहां से आप स्मॉल n को लिख सकते हैं p अपॉन v k t। ये पहला रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया, ये जहां स्मॉल n लिखा है वहीं पर लिखना था p अपॉन v k t, तो ये अपॉन वाला जो k t है वो चला गया ऊपर, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई। यानी इस फार्मूले से इस फार्मूले में जाने पर सिर्फ आपको नंबर डेंसिटी को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो अगर कभी ये भूल जाएगा तब भी आप इसे कन्वर्ट करके निकाल लेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हो सके तो इसको याद ही रखिए, फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है ये। दूसरा देखना है, ये है पूरे गैस की डेंसिटी और ये है एक मॉलिक्यूल का मास। तो अगर आपको इस स्मॉल एन को रिप्लेस करना है, स्मॉल एन को ही रिप्लेस करना है फिर से, तो स्मॉल एन को ऐसा रिप्लेस करना है कि डेंसिटी और एक मॉलिक्यूल का मास आ जाए। तो देखिए आपके पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये कहता है कि अगर आपको मान लीजिए गैस की डेंसिटी की बात करनी है, तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो गैस है उसकी डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा गैस का टोटल मास अपान में गैस का वॉल्यूम, है ना। और गैस का टोटल मास लिखने के लिए आप लिखेंगे एक मॉलिक्यूल का मास, है ना, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अपान में ये क्या हो गया वॉल्यूम, है ना। टोटल गैस का मास का मतलब कि एक मॉलिक्यूल का मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे आप प्रेशर वाले फार्मूले में करते थे P इक्वल टू 1 अपॉन 3 इनटू m इनटू n अपॉन v, और यहां पर v स्क्वायर का बार, तो वहां हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को स्मॉल n से दिखाते थे। अभी हम स्मॉल n तो नंबर डेंसिटी को बोल रहे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने कैपिटल n बोला है। तो ये देखिए जो m इनटू n होता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल का मास, इसी को तो हम लोग गैस की गैस का टोटल मास बोलते थे, और इसी टोटल मास अपॉन रो को हम लोग v को डेंसिटी बोलते थे। तो यानी रो इक्वल टू एम अपॉन वी में एम की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, और ये देखिए ये हमारा स्मॉल एन बन जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा ये स्मॉल एम, और यहाँ पर नंबर डेंसिटी स्मॉल एन, तो एन इक्वल टू हो जाएगा क्या, रो अपॉन में एम। और ये फार्मूले में जहां स्मॉल एन लिखा था वहां रो अपॉन एम लिखेंगे, तो रो तो यहां रहेगा लेकिन जो एम अपॉन में था वो चला गया ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को, ठीक है, इस फार्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी एक मॉलिक्यूल के मास इनके टर्म में। ठीक है, और तीनों के तीनों आपको याद रखने, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी इन सब के ऊपर हम सवाल करेंगे लास्ट में, टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो चार और थियरी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए फिर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
उनका जो मोशन है या उनकी जो पोजीशन है उनको डिफाइन करने के लिए जितने इनडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, किसी भी मॉलिक्यूल के मोशन को, पोजीशन को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए जितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अगर एक कोई सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये कितने तरीके से मोशन कर सकता है, कितनी दिशाओं में, कितने डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, जितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर ये आपका मोनोएटॉमिक कोई गैस है, ये कोई मोनोएटॉमिक गैस है, पॉइंट मास है, तो इसके मोशन की बात करें तो ये तीन तरह का मोशन कर सकता है, एक्स के अलोंग कर सकता है, वाई के अलोंग कर सकता है और जेड के अलोंग कर सकता है। और कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है ना। तो इसका मतलब कि ये जो आपका मोनोएटॉमिक गैस है या सिंगल एटम है, इसमें तीन तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं तीनों के तीनों, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। मतलब इस मोनोएटॉमिक या इस सिंगल एटम वाले गैस के लिए तीन वेरिएबल्स या तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कोई एक ये मॉलिक्यूल है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, और दोनों एटम को मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बन रहा है गैस का, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है तो इसके अगर मोशन की हम बात करें तो ये दो टाइप का मोशन करेगा, दो टाइप का। एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन इधर इधर और इधर कहीं भी जा सकता है, मतलब तीनों ही डायरेक्शन में ये जा सकता है ट्रांसलेशनल मोशन करके। तो तीन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हो गए। लेकिन ये जो आपका डंबल के शेप का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये दो रोटेशनल मोशन भी कर लेगा, दो रोटेशनल मोशन करेगा। जैसे अगर ये यहां पर पड़ा हुआ है तो ये अब इस टाइम इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है और इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं हो सकता। ये पॉइंट मास है और ये इसके अंदर ये पूरा एक्सिस कंटेन है, पॉइंट मास है, छोटा सा मास है, तो कोई रोटेशनल मोशन यहां पर नहीं है ना। बाकी इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकता है इसको फिक्स करके, भाई कुछ डिस्टेंस उस एक्सिस के अबाउट कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना रोटेट होने के लिए। अगर इसकी जो साइज है, जो पॉइंट मास है, वो बिल्कुल एक्सिस के अंदर ही कंटेन हो गया तो कोई भी डिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लेगा इस टाइम और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लेगा और ट्रांसलेशन यानी खिसक के कहीं भी जा सकता है। तो तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल मोशन की वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने टाइप का मोशन कर सकता है ये गैस का मॉलिक्यूल। तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो किसी भी एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी नोबल गैसेस हैं मोनोएटॉमिक। तो ये आपका हो जाएगा तीन ट्रांसलेशनल यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। डायटॉमिक गैस की बात करेंगे, H2, N2, O2, इन सब की बात करेंगे, तो ये लोग तीन तो ट्रांसलेशन कर लेंगे लेकिन जिस भी एक्सिस के अलोंग ये रखे होंगे उस एक्सिस को छोड़कर बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल मिला करके 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी बातें हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी बातें हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर कर रहे हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर या वेरी लो टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाता है। ठीक है, और जनरली आपसे नॉर्मल टेम्परेचर का ही केस आपको ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का केस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम आपको बता देंगे कि इस किस में क्या हो रहा है। पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें, जैसे H2O, NH3, CH4, CO2, C2H2, ये सब आपके तीन या तीन से ज्यादा इसमें एटम्स है। तो ऐसे लोगों के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं कि लीनियर है, नॉन लीनियर है कि लीनियर है। जैसे अगर CO2 की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे शायद बनाते हैं केमिस्ट्री में, तो ये आप देखिए लीनियर है, ये लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आपका डाइएटॉमिक कर रहा था। अब दो यहां पर थे, एक और बढ़ा करके एक और कर लीजिए, अभी भी ये वही काम करेगा, ट्रांसलेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट कर लेगा लेकिन रोटेशन उस एक्सिस के अबाउट नहीं करेगा जिस एक्सिस पर वो रखा हुआ, क्योंकि लीनियर है ना, तो उस एक्सिस के अबाउट इसका कोई रोटेशन नहीं। तो अभी भी इसमें तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल अवेलेबल है। तो ऐसे केस में ये जो आपके लीनियर वाले हैं उसमें वही रिजल्ट मिलता है जो आपके डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में मिलता है, 5, यहां पर भी 5। ठीक है, और दूसरा अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब तीनों मॉलिक्यूल एक ही लाइन में नहीं, और अगर एक ही लाइन में नहीं है तो ये वाला हटा दीजिए यहां से और इसको रख लीजिए आप यहां पर। तो जब आप इसको यहां पर रख लेंगे, अब आप देखिए क्या होगा, ये ट्रांसलेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं और अब ये रोटेशन भी किसी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं, क्योंकि अब इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल है ये वाले मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, और बाकी इसकी वजह से इसके अबाउट हो जाएगा और इसकी इन दोनों की वजह से इसके अबाउट हो जाएगा। तो तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन और तीनों एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन हो सकता है, इस वजह से तीन ट्रांसलेशन तीन रोटेशन मिला के 6 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने हैं, ऐसे मैथमेटिक्स वहां करने की जरूरत नहीं है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल, डाइएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशन दो रोटेशन मिलाकर 5, और पॉलीएटॉमिक में जाएंगे तो अगर लीनियर है तो बिल्कुल डाइएटॉमिक वाला रिजल्ट, और अगर नॉन लीनियर है तो फिर इसमें आएगा आपका 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। बाकी एक चीज अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वैसे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी नहीं, हाई टेम्परेचर पर इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशनल मोशन भी होने लगता है,
और एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने वेरीफाई किया है कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7, मतलब दो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है, और इन दोनों में एक एक बढ़ जाता है, यहां पर 6 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल मोशन भी कंट्रीब्यूट करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो ऐसे में इसमें हो जाएगा आपका 7, इसमें हो जाएगा आपका 7, इसमें हो जाएगा आपका 6, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोनोटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको वैसे ये सब में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, एक बार आपने देख लिया तो ध्यान रखिएगा, बाकी मैं बता रहा हूं आपको सारे प्रॉब्लम आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एक दो और बातें ध्यान रखें कि अगर कभी भी सवाल में ये मेंशन ना हो कि आपका जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो लीनियर नेचर का है, तो ऐसे में ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ये वाला यूज करिएगा, 6 यूज करिएगा, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिकली आपको मेंशन नहीं किया गया कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आप इसको 6 लेकर के चलिएगा और इसी के अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि इसके लीनियर वाले केस में वही रिजल्ट मिलेगा जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में मिलता है, ठीक। चलिए, तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये फार्मूला हम आपको काफी पहले से बताते आ रहे हैं। गामा इज इक्वल टू, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट के रेशियो को हम गामा बोलते हैं, और ये ES अपॉन ET के इक्वल होता है, आपको पता है। ये है आपका एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये है आपका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन F। तो अगर गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन F लिखा हुआ है, तो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक गैसेस के लिए हम गामा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गामा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये गामा इज इक्वल टू, देखिए मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1 प्लस 2 अपॉन मोनोएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू यहां 3 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 बाई 3 सॉल्व करने पर 1.67। और अगर डायएटॉमिक गैस की बात करें तो डायएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 5, तो यहां पर रखेंगे 1 प्लस 2 अपॉन यहां 5, तो सॉल्व करने पर 1.40। और अगर ट्राईएटॉमिक गैस की बात करें, वो भी कौन से केस में, अगर लीनियर में बात करेंगे तो फिर तो यही रिजल्ट आएगा, यही वाला रिजल्ट यहां पर भी मिलेगा हमें। पॉलीएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हमें यहां पर गामा की वही वैल्यू मिलेगी जो गामा की वैल्यू डायएटॉमिक में मिली थी, क्योंकि डायएटॉमिक में भी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और लीनियर ट्राईएटॉमिक में भी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये जो केस हम लिख रहे हैं वो इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन F की जगह पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा नॉन लीनियर के लिए, तो 1 प्लस 2 बाई 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको ये सब याद नहीं करना है, मिस्टेक हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखें और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका याद रखें, ठीक है ना। ये सब नहीं याद रखना आपको, इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बात कर लेते हैं हम लोग सीपी और सीबी के फार्मूले की। तो यहां से कुछ सवाल आते हैं सीपी और सीबी के, तो ये फार्मूला आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में अगर आप सीबी का फार्मूला याद कर लेते हैं, सीबी इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू आर, सीबी इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू आर, ये सीबी का फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप सीपी को भी निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। क्यों? क्योंकि मेयर का फार्मूला सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, जैसे आप सीबी की जगह पर ये पूरा टर्म रखेंगे और उस साइड ले जाकर के प्लस रखेंगे करेंगे, तो प्लस को आप कॉमन कर लीजिएगा, यहां से हम सॉल्व कर लेगा, ऐसा आ जाएगा सीपी माइनस सीबी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एफ इंटू आर इज इक्वल टू आर, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू आर को कॉमन लीजिए तो ये बनेगा एफ बाई टू, और यहां से ये प्लस हो जाएगा 1, तो 1 प्लस एफ बाई टू, ये आपका आंसर आ जाएगा, सीपी इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 प्लस एफ बाई टू, ये सीपी का फार्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। लेकिन इसके लिए सीवी वाला फार्मूला याद करना होगा 1/2 इंटू एफ इंटू आर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी होता है, ये फार्मूला आपको पता है, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। और अगर हम सीवी की वैल्यू को निकाल लें, सीवी की वैल्यू को निकाल लें गामा के टर्म में, तो हम सीपी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं गामा के टर्म में, है ना। देखिए कैसे, सीवी अगर मिल जाए तो सीवी इंटू गामा करेंगे तो सीपी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें सीवी की वैल्यू निकालनी होगी गामा के टर्म में। कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए इस फार्मूले से, देखिए फार्मूला पहले तो आप देखिए, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों को मिला लीजिए, सीवी इक्वल टू आपने बोला 1/2 इंटू एफ इंटू आर, तो अगर हम एफ बाई टू की वैल्यू निकालें तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बाई टू, ऐसे लिख लीजिए इसको, एफ बाई टू इंटू में आर इज इक्वल टू सीवी। और यहां देखिए गामा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 बाई एफ, तो गामा को इस साइड ले गए, गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई एफ, तो यहां से अगर हम एफ बाई टू की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी हो जाएगा रिवर्स, यानी 1/ गामा माइनस 1, यानी एफ बाई टू की जगह पर हम 1/ गामा माइनस 1 रख सकते हैं। तो एफ बाई टू की जगह पर जब हम 1/ गामा माइनस 1 रखेंगे और ये आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर अपान गामा माइनस 1 ये हो जाएगी सीवी की वैल्यू, है ना, सीवी की वैल्यू हो जाएगी आर अपान गामा माइनस 1, और जब इस सीवी की वैल्यू को हम गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी मिल जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा गामा आर अपान में गामा माइनस 1, ठीक है। तो आप एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला
और एक ये फार्मूला, तीन चीजें याद कर लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए, कभी भी आप इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके थे गामा वाले, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और एक सेक्शन ये है जिससे कोई सवाल तो नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, लेकिन जनरली पूछे जाते हैं बाकी पीजीटी एग्जाम्स में। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये देख लीजिए, तो इस तरह के सारे सवाल आपके हो जाएंगे सिर्फ एक लाइन। और वो एक लाइन ये है कि कई बार आपको दो अलग अलग टाइप की गैसेस को मिक्स करने का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कि कोई डायएटॉमिक गैस है उसको मोनोटॉमिक गैस के साथ मिक्स किया गया, उसके इतने मोल्स थे, इसके इतने मोल्स थे, तो जो मिक्सचर बनेगा उसके लिए सीपी की वैल्यू बताइए, उसके लिए सीवी की वैल्यू बताइए, ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो और या उसके लिए गामा की वैल्यू बताइए, ऐसा भी पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सीपी या सीवी की जो वैल्यू होती है, जैसे सीवी इक्वल टू आपने देखा कि आर अपान गामा माइनस वन हो गया, है ना, सीपी इक्वल टू इसी में गामा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो गामा आर, सॉरी सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी अपान सीवी इक्वल टू गामा, तो सीपी, हाँ, इसमें आप गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा आर अपान में गामा माइनस वन हो जाएगा। तो पहले तो सबसे आपको ये पता करना होगा कि ये सीपी या सीवी जो आपको मिक्सचर के लिए निकालना है उसके लिए फार्मूला क्या है। तो कोई भी एक फार्मूला याद कर लीजिए, दोनों सिमिलर ही है, एक ही जैसे है। मिक्सचर गैस का सीवी N1CV1 मतलब पहले वाली गैस का सीवी और उसके नंबर ऑफ मोल्स, N2CV2 मतलब दूसरे वाले गैस के लिए सीवी और उसके नंबर ऑफ मोल्स, अपान पहले वाले गैस के नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे गैस के नंबर ऑफ मोल्स, तीसरे और जितने भी होंगे उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर रखना है। मतलब N और CV नंबर ऑफ मोल्स और ये जो सीवी है इनको आप न्यूमरेटर में प्लस कर लीजिए और अपान में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सभी गैसेस के हो रहे हैं उनको सम कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद ये मिक्सर का सीवी मिल जाएगा। और अगर आप सीवी की बजाय यहाँ सीपी लिखेंगे तो ये मिक्सर का सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ पर N1CV1 N2CV2 N3CV3 अपान N1 + N2 + N3, बिल्कुल इसी तरह से सीपी में भी आप लिख सकते हैं मिक्सर के लिए N1CP1 N2CP2 N3CP3 एंड सो ऑन अपान N1 + N2 + N3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका सीपी और सीवी के मिक्सर के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब एक और चीज देखिए, एक आसान तरीका आपको बताते हैं। अगर आपको सवाल में सीपी मिक्सर और सीवी मिक्सर दोनों पूछा जाए तो दोनों के लिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक कोई कैलकुलेट कर लीजिएगा दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आपको सुविधाजनक लगेगा, उसके बाद आप यूज करिएगा मेयर का ये फार्मूला CP - CV = R। ये फार्मूला मिक्सर के लिए भी अप्लीकेबल है, ऐसे लिखना होगा CP mixer - CV mixer = R। आप देखिए कितना आसान हो जाएगा कि अगर आपने ये सीवी मिक्सर निकाल लिया है तो सीपी मिक्सर निकालने के लिए ये नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको मेयर के फार्मूले में जाएंगे और सीवी मिक्सर में आर की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपको यहां से सीपी मिक्सर इजीली मिल जाएगा, है ना, सीपी मिक्सर इक्वल टू सीवी मिक्सर और प्लस में आर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी मिक्सर वाले सवाल आए और गामा वगैरह भी निकालने के लिए आए तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई सवाल आज की इस क्लास में हमने नहीं ऐड किया हुआ है टाइम की कमी की वजह से, वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा, अभी थ्योरी भी पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, जो पीडीएफ नोट्स आपका होगा उसी में आगे क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, या अगली क्लास जो थर्मल फिजिक्स की लास्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ऐसे मिक्सर वाले भी कुछ सवाल कर लेंगे, ठीक है ना, दो तीन सवाल कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं और जब एक मोल की बात करते हैं, जब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, जब सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो तीन स्टेप में इसको हम क्लियरली समझेंगे कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी उसके सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होती है ना। जैसे मान लीजिए एक कोई गैस है, इस गैस के पास कुल मिलाकर के 9 जूल एनर्जी है और इस गैस के पास जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ गए, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत होती है इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो अगर मान लीजिए ये गैस इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, मतलब तीन इंडिपेंडेंट मोशन कर सकती है। तो इस तीन इंडिपेंडेंट मोशन के लिए अगर इसके पास टोटल 9 जूल एनर्जी है तो ये 9 जूल हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होती है। तो अगर 9 जूल है तो इसका मतलब इस साइड 3 जूल एनर्जी होगी इस मोशन की वजह से, इसके इसमें 3 जूल होगा और इसमें भी 3 जूल होगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि सभी की सभी जो टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर तीन स्टेप में हम फार्मूले को समझेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर तीन स्टेप में हम फार्मूले को समझेंगे। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे ये मॉलिक्यूल है इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, तो जो भी इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से सिर्फ हम एक की अगर बात करें, सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो किसी भी एक मॉलिक्यूल के
किसी भी एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी उससे एसोसिएटेड 1/2 × K × T। ध्यान समझिएगा, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 × K × T। लेकिन अगर एक मोल की बात करने लगे तो अगर हम एक मोल गैस ले लें और सबके सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी की बात करें, जैसे ये एक ही मॉलिक्यूल था, और ले लीजिए और ले लीजिए और ले लीजिए और ले लीजिए और ले लीजिए, कितने ले लीजिए, टोटल कितने मॉलिक्यूल की बात करेंगे, NA मॉलिक्यूल मतलब अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। और आपको पता है जितने सब्सटेंस में जितने अमाउंट में इतने मॉलिक्यूल होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वन मोल। मतलब एक मोल गैस का मतलब कि NA मॉलिक्यूल, एक मोल गैस का मतलब NA मॉलिक्यूल। ये जो NA मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 3। तो अगर NA मॉलिक्यूल ने, लेकिन उसके सिर्फ एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें, तो जैसे हमने एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी निकाली 1/2 × K × T, तो अगर आप इसी एक की जगह पर टोटल कितने हो जाए, NA मॉलिक्यूल हो जाए, एक मोल का मतलब ये हुआ NA मॉलिक्यूल हो जाए, तो इसी एनर्जी का NA गुना करना पड़ेगा। भाई इसकी जितनी एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी भी, इसकी भी उतनी होगी, इसकी भी उतनी होगी, लेकिन है कितने ऐसे टोटल NA है। तो एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 KT, तो एक मोल के लिए कितना एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में लेकिन NA मॉलिक्यूल मतलब अब इसको एक मोल बोलेंगे, यहां सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, यहां NA मॉलिक्यूल है जिसको एक मोल बोलेंगे, तो NA से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 NA × K × T। और आपको ये पता है R/NA = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, R/NA को K बोलते हैं, तो इसका मतलब K × NA को R बोलेंगे, तो जहां K × NA है वहां पर R लिख सकते हैं। और ये डिफरेंस हम आपको पीछे के सारे फार्मूले में बताते आ रहे हैं, जब बात एक मॉलिक्यूल की होगी तो K आएगा, और जब बात एक मोल की होगी तो R आएगा, तो 1/2 KT 1/2 RT। अब आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 KT, और एक मोल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 RT। लेकिन अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने एक मोल का निकाल लिया, तो अगर हमें पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालना हो तो क्या करना होगा, एनर्जी विथ वन मोल एंड एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मोल लेकिन सारी के सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो आपको पता है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो अगर आपने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी निकाली इन सब की, और इन सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ, इसका भी एफ, इसका भी एफ, इसका भी एफ, तो टोटल कितनी एनर्जी होगी, तो अगर आपने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सबकी एनर्जी निकाल ली है तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एफ गुना करनी होगी, इसी में एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 × F × R × T। और ये अभी भी फार्मूला किसके लिए है, एक मोल के लिए, तो अगर एक मोल के लिए मिल गया, म्यू मोल के लिए निकालना है, म्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 × F × R × T, इसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू मोल गैस की सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये तीन स्टेप आप याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए, लेकिन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होगी तो इसमें एफ से या इसमें एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी ही बातें इसमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इससे और करने की जरूरत है नहीं, सवालों से ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। वैसे तो आपके सिलेबस में, मतलब झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है, और कोई सवाल भी नहीं है प्रीवियस ईयर में, बट ये जनरली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले पोर्शन में ये सारे पीजीटी में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक नहीं भी मेंशन होता वो भी आपके, है ना, सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये मना नहीं कर सकते इस बात को कि नहीं ये नहीं ही पढ़ना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऐसा कोई रिस्क ना हमारे सामने बने, और बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है इस वजह से भी इसको रखना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा था मैकेनिक्स में इनर्सिया टेंसर नाम से कोई टॉपिक नहीं है सिलेबस में, और जनरली बाकी पीजीटी के मैकेनिक्स में नहीं होता वो, बट आपके एग्जाम में दो सवाल उससे आए। ठीक है, तो ऐसा रिस्क ना बने इस वजह से ये टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है तो हो जाएगा। देखिए, जब गैसें इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं, जब गैसें इक्विलिब्रियम में नहीं होती, मतलब जैसे मान लीजिए कंटेनर है और इसमें जो गैसेस हैं, गैसेस के किसी रीजन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसी रीजन में कंसंट्रेशन कम है, किसी रीजन का टेम्परेचर हाई है, किसी रीजन का टेम्परेचर कम है, कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो, टेम्परेचर कम ज्यादा हो, और इसके अलावा इसकी स्पीड या वेलोसिटी की बात करें वो भी कम ज्यादा हो, ये अलग स्पीड से चल रही है और ये अलग स्पीड से, तो गैसेस के डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं, अगर उनके टेम्परेचर्स, उनकी वेलोसिटीज और उनके कंसंट्रेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब गैस आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब गैसें इक्विलिब्रियम में नहीं होती, मतलब उनका कंसंट्रेशन, उनका टेम्परेचर, उनकी वेलोसिटी अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग रीजन में अलग अलग होती हैं, तो गैसें क्या करती हैं, इन चीजों को आपस में ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब गैसें इक्विलिब्रियम में नहीं होती। इक्विलिब्रियम में नहीं होती का मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस है, स्पीड डिफरेंट है। ठीक है,
तो ऐसे केस में ये आपस में इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करती हैं ताकि इक्विलिब्रियम में आ सके और पूरी की पूरी गैस यूनिफॉर्म हो सके, एक जैसी हो सके, सब जगह कंसंट्रेशन सेम हो जाए, सब जगह टेम्परेचर सेम हो जाए, सब जगह गैस की वेलोसिटी सेम हो जाए। ऐसा करने के लिए ये आपस में एक्सचेंज करती, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो दूसरे वाले की वेलोसिटी को बढ़ाएगी, मोमेंटम का एक्सचेंज करेगी। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो कम वाले रीजन में मास को ट्रांसफर करेगा कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, और जिसकी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट को ट्रांसफर करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन में, ताकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सके। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपस में इन चीजों का एक्सचेंज करती है। तो जब गैस का एक लेयर दूसरे लेयर को स्पीड प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। भाई स्पीड अगर इसकी ये बढ़ा, ये इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी कम, तो ये क्या करेगी, इसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, इसकी स्पीड को बढ़ाएगी। तो इसका मतलब कि ये यहां से इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। और जब एक जिसका रीजन जिसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और हीट का ट्रांसफर होगा, इसको हम बोलेंगे एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। और जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मास का ट्रांसफर होगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, ठीक है ना, ताकि कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो तीन ट्रांसपोर्ट फेनोमेना होती है नॉन इक्विलिब्रियम में, गैसेस के बीच में, लेयर्स के बीच में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से जो फेनोमेना जन्म लेती है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी से जो फेनोमेना जन्म लेती है उसको हम कंडक्शन, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास की वजह से जो फेनोमेना जन्म लेती है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन आपने पीछे पढ़ा भी था, हमने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से गैस का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में चलना ही क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम ही क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट फेनोमेना का एक टाइप है। तो तीन ट्रांसपोर्ट फेनोमेना आपको याद रखने हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। इनकी वजह से जो फेनोमेना हो रही है उसका नाम क्या है, विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन। याद करने का आसान तरीका क्या है, हमने पहले भी आपको इसको बताया था मैकेनिक्स वाले यूनिट के अंदर, ठीक है, मैकेनिक्स वाले यूनिट के अंदर। तो मैकेनिक्स वाले यूनिट में आप इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बोला था, इसको ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल सा, कोई मतलब बहुत स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट आप इसको रिलेट कर पाएंगे। V, ये आपका C और ये आपका D, ठीक है, और यहां पर ये M, यहां पर ये E और यहां पर भी M, ठीक है, ऐसे इसको याद करेंगे, V C D M E M, ठीक है, V C D और M E M करके याद कर लेंगे। अब इतना तो पता ही होगा कि V है तो विस्कोसिटी बनेगा, C है तो कंडक्शन बनेगा और D है तो डिफ्यूजन बनेगा। तो V, C, D और M, E, M, विस्कोसिटी किस वजह से होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से, कंडक्शन किस वजह से होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी की वजह से, और डिफ्यूजन किस वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास की वजह से, है ना। तो ये तीनों ट्रांसपोर्ट फेनोमेना आपको याद हो जाएंगी कि विस्कोसिटी और कंडक्शन और डिफ्यूजन किस किस की वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। क्लियर है, ठीक है, हाँ, V, C, D और M, E, M, इससे आपको ये याद कर लेना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम से विस्कोसिटी नाम की फेनोमेना आती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी की वजह से कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास की वजह से डिफ्यूजन, V, C, D, M, E, M। अब ऐसा ना हो जाए कि इस वाले M और इस वाले M में आप कंफ्यूज कर दें और यहां मास लिख दें और यहां मोमेंटम, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और इतना आपको याद होगा कि विस्कोसिटी की जब बात हो रही थी, पीछे हम लोग पढ़ भी रहे थे विस्कोसिटी मैकेनिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि गैसेस की विस्कोसिटी और लिक्विड की विस्कोसिटी का जो रीजन है वो अलग अलग है। तो ये जो हम विस्कोसिटी बता रहे हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ये गैस के लिए बोल रहे हैं, गैस की विस्कोसिटी होती है मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट की वजह से, और लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी होती है उसका अगर आंसर आप लोगों को पता हो तो आप बता दीजिए थोड़ा, लिक्विड की विस्कोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए। लिक्विड की विस्कोसिटी का रीजन होता है उसके लेयर्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स, उनके जो दो कॉन्टेक्ट वाले लेयर होंगे उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, हाँ बिल्कुल, उस कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से विस्कोसिटी होती है लिक्विड के अंदर, लेकिन गैस के अंदर विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेयर्स के बीच में मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, एनर्जी एंड मास, ये ट्रांसपोर्ट फेनोमेना बोली जाती है, नॉन इक्विलिब्रियम में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बार बार इसको याद दिला रहे हैं, नॉन इक्विलिब्रियम में होती है, ये तीन है और इनका ये सीक्वेंस याद रखिए। और अगर इतना याद कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे, ये फार्मूले याद कर लेंगे, तो बहुत सारे इनके आपस में इंटरचेंज कर करके रिलेशंस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म यहाँ पर कॉमन है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी में कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला है 1/3 m into n v bar और lambda, सब कुछ इसमें आप जान ही रहे हैं, मीन फ्री पाथ है और ये एवरेज वेलोसिटी है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये एक मॉलिक्यूल का मास है, सब कुछ पता है आपको। इसी तरह से अगर हम ये कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी, इसको बोलेंगे
ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी और ये कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी है, सब कुछ ये पूरा टर्म एज इट इज यहाँ पर रहेगा, साथ में सी वी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एक सवाल बनता है कि ईटा और सी वी, ईटा और के में क्या रिलेशन है ना, एक सवाल है कि ईटा और के में क्या रिलेशन है, ये यूपी पीजीटी का बहुत फेमस सवाल है। तो ईटा और के में अगर रिलेशन आपको बताना है तो आप देखिए ये पूरा पार्ट जो है ये यही सेम चीज है, तो इसको हम ईटा बोलते हैं, तो इसका मतलब के और ये अपान में चला जाएगा ईटा, तो के अपान ईटा इज इक्वल टू सी वी, ये बन गया फार्मूला। ठीक है, ये पूरा ईटा है और यही सेम चीज एज इट इज यहाँ लिखा हुआ, सिर्फ सी वी एक्स्ट्रा है और ये के का फार्मूला बन गया कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी का। तो के इक्वल टू ये होगा आपका ईटा और सी वी, तो ईटा को इधर ले आइए, के अपान ईटा इक्वल टू सी वी। बाकी यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, 1/3 वी बार और लैम्डा, लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ, तो यहाँ पर 1/3 और वी बार और लैम्डा ये है आपका कोफिशियंट ऑफ डिफ्यूजन। तो तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, तीनों नाम उनकी फेनोमेना और ये नॉन इक्विलिब्रियम में ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, बस इतना ही है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए क्रिटिकल कांस्टेंट, तो तीन क्रिटिकल कांस्टेंट है, क्रिटिकल टेंपरेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, तो हमें इन तीनों की डिफिनेशन, तीनों के फार्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा दो और टर्म आएंगे, एक बायल टेम्परेचर आएगा और एक इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जूल थॉमसन इफेक्ट में, सिर्फ बायल टेम्परेचर आपको यहां नया मिलेगा। और इन तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट को मिला करके ये जो कांस्टेंट आएगा आरटीसी अपॉन पीसीवीसी, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल कोफिशिएंट, है ना। तो ये कुछ चार पांच जो फार्मूले बन रहे हैं इन्हीं को हमें समझना है थोड़ा सा यहां पर कि इन क्रिटिकल कांस्टेंट का मतलब क्या है। देखिए अगर आपको किसी गैस को, अगर आपको किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको दो काम करना होता है, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो काम करना होता है, प्रेशर बढ़ाना होता है, प्रेशर बढ़ाना होता है और टेम्परेचर घटाना होता है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर घटाना होगा, तो गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हम बिना टेम्परेचर को छेड़छाड़ किए, बिना हम टेम्परेचर को कम किए, सिर्फ प्रेशर को अप्लाई करके इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब गैस है हम उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करके उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और टेम्परेचर हम डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसकी देखिए एक लिमिट है कि किसी भी गैस को सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विड में कन्वर्ट करने की एक लिमिट है कि उस गैस का टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैस का टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिएगा गैस लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी सिर्फ प्रेशर लगा करके, इसके लिए कंडीशन है कि गैस का टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर उसका टेम्परेचर हो गया तो आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिएगा गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विफाई नहीं हो सकता। और उसी मैक्सिमम टेम्परेचर को, उसी मैक्सिमम टेम्परेचर को जहां तक सिर्फ प्रेशर लगा करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उस मैक्सिमम टेम्परेचर का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी गैस का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो या उससे कम हो तो आप खाली प्रेशर लगा करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे इजिली, लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर या इस मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा हो गया और आप चाह रहे हैं कि हम खाली प्रेशर लगाएंगे और इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक हम गैस को लिक्विफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके ये काम कर सकते हैं, उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है, सबके लिए अपना डिफाइन है, ठीक है। और अगर बात हम करें, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है तो इसको आप चाहे याद भी कर लीजिए, CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है 31.1 डिग्री सेल्सियस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और गैस का टेम्परेचर अगर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है उस टाइम पर, तो आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है या इससे कम है, तो आप सिर्फ प्रेशर बढ़ा करके इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को, अगर मान लीजिए गैस आपका ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर है इस टाइम और आप इसको करना चाहते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो अब तो हो जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, यहां तक तो होता ही है। तो ऐसे में आप इसके ऊपर जितना भी प्रेशर लगाते हैं, जब गैस आपका क्रिटिकल टेम्परेचर में हो और ऐसे में प्रेशर लगा करके जब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो प्रेशर आप लगाते हैं इसके ऊपर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर गैस हो उस टाइम जितने प्रेशर की जरूरत होती है, इसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, गैस आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पर थी और उसको लिक्विफाई करने के लिए आपने क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई किया, और ये अप्लाई करने के बाद अब जो वॉल्यूम आपको मिल रहा है गैस का, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम एक मोल गैस का उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा,
क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर ही है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो उसी कंडीशन में डिफाइन है बस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक हम गैस को सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और इस कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम को क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। और ये टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, बायल टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर तो आपको पता ही होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बायल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बायल टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस अप टू विच पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे बायल्स ला हम लोग पढ़े ना, बायल्स ला बोलता है कि पी इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन पी इंटू वी को कॉन्स्टेंट होने की भी एक लिमिट है, पी इंटू वी के कॉन्स्टेंट होने की भी एक लिमिट है। जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो कॉन्स्टेंट है, आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम उसी हिसाब से घटता जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा। लेकिन एक लिमिट तक, अगर एक लिमिट के बाद आप इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ऐसे केस में पी और वी की जो वैल्यू होगी फिर वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, और उस लिमिट के लिए जो टेम्परेचर डिफाइन है उसी का नाम बायल टेम्परेचर। सिंपल सी बात दिमाग में रखिए, बायल टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जहां तक बायल्स का लॉ गैसेस फॉलो कर रही, मतलब पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये बायल्स लॉ है। तो जहां तक गैसों में पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है उस टेम्परेचर तक हम लोग बोले, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे क्या, बायल टेम्परेचर। तो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस अप टू विच पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अगर गैस का टेम्परेचर बायल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है उससे ज्यादा हो जाए तो फिर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एक लिमिट के बाद क्या होगा, उसके बाद प्रेशर बढ़ाएंगे तो पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर गैस का टेम्परेचर बायल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट के बाद प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो पी इंटू वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायल टेम्परेचर की मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच बायल्स लॉ इज फॉलोड बाय द गैसेस इज नोन एज बायल टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर आपको पता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। अब जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग गैस को एक पोरस प्लग से पास करते हैं, पास करने के बाद अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो कूलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हीटिंग इफेक्ट, और चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो इसको हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट बोलने का मतलब यह होगा कि कूलिंग या हीटिंग अगर हो रहा है उस सेंस में, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिससे हाई टेम्परेचर पर हीटिंग होता है और जिसके लो टेम्परेचर पर कूलिंग होता है, है ना। आपने देखिए ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपने ये पढ़ा होगा कि इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर ना तो हीटिंग होती है और ना ही कूलिंग। लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, मतलब टी ग्रेटर देन टी आई हो जाए, तो ऐसे में हीटिंग इफेक्ट होने लगता है। और अगर गैस का टेम्परेचर अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम हो जाए, मतलब टी लेस देन अगर टी आई हो जाए, तो ऐसे केस में कूलिंग इफेक्ट होने लगता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ऊंचे टेम्परेचर पर हीटिंग और जिससे कम टेम्परेचर पर कूलिंग होता है। या ये कह लीजिए इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ना तो हीटिंग होता है और ना ही कूलिंग होता है, ठीक है। ये था आपका, और तीनों के सबके आप फार्मूले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। देख लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला है 8A/27RB, 8A/27RB ये क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला है। क्रिटिकल प्रेशर में है A/27B², इसमें आर नहीं आया है, बी का स्क्वायर हो गया, PC = A/27B². और क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला 3 × B, ए और बी आप समझ रहे होंगे, जो गैस वंडरवाल गैस इक्वेशन में ए और बी आता था वही है। बायल टेम्परेचर की बात करें तो इसका फार्मूला A/R × B, और इन्वर्जन टेम्परेचर आप पहले पढ़ चुके हैं 2A/RB। अब कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो बायल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर को मिलाकर बन जाए, तो यहां पर आपको देखिए ये कन्वर्जन समझ में आना चाहिए कि 2A/RB और A/RB, मतलब जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो बायल टेम्परेचर का 2 गुना होता है। एक ये फार्मूला बना सकते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर बायल टेम्परेचर का 2 गुना होता है। बाकी एक चीज और देखिए, यहां पर A/RB है तो क्रिटिकल टेम्परेचर को आप चाहे तो बायल टेम्परेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को आप चाहे तो इन्वर्जन टेम्परेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई A/RB है तो यहीं पर आप बायल टेम्परेचर लिख देंगे तो 8/27 TB हो जाएगा, और इसमें से 2 ले लेंगे तो 4/27 TI बन जाएगा आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये सब आपस में इंटरचेंज करके सवाल आपके बन सकते हैं, इसलिए आपको सबको अलग अलग याद कर लेना है, कुछ भी मिक्स किया जाएगा तो आप इतना कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहां पर हमारा RTC/PCVC। तो देखिए अगर हम R यहां पर लिख दें और TC मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर का ये पूरा टर्म यहां लिख लें, इसी तरह से VC यानी मतलब A/27B² यहां लिख दें PC, और VC मतलब 3B यहां लिख दें, ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 8/3। और इस पूरे टर्म को जो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और कांस्टेंट का ये पूरा टर्म दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल कोफिशियंट। इसका नाम है क्रिटिकल कोफिशियंट, ठीक है, क्रिटिकल कोफिशियंट। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करेंगे।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आपके प्रीवियस ईयर में काफी सवाल है ना, 50% थर्मोडायनेमिक्स लॉज से हैं और 50% काइनेटिक थ्योरी से हैं, दो तीन सवाल छोड़ दीजिए रेडिएशन वाले हैं जिनको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कुछ एक सवालों में गलतियां भी है, डाटा गलत भी लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में लैंग्वेज भी गलत लिखा हुआ है जिस वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, ऐसे सवालों को भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, रेडी है सभी लोग? तो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक आपको पेशेंस बना के रखना है, 20 मिनट का टाइम है, लगभग उस टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना, लगभग हो जाएगा। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग हैं ना कि चले गए सारे लोग। चलिए यहां पर है कि एन आइडियल गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रोसेस इक्वेशन फॉर द गैस इज टी इक्वल टू टी नॉट ई पावर अल्फा वी। यहां पर देखिए जब आप पेपर में देखेंगे तो आई थिंक वहां गामा जैसा कुछ दिख रहा था जो कि गलत है, गामा नहीं होगा, वहां वी रखना पड़ेगा, है ना, तो मुझे तो गामा ही दिख रहा था, वो मिस्टेक थी, तो यहां पर वी होगा तब इसका आंसर आएगा। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज, आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी यहां पर बोला है ना, तो यहां पर एक्चुअली यहां पर ये टर्म लिखना चाहिए था स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, यानी आपको सी की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए सी वाले ऑप्शन दिए हुए हैं और यहां लिखा हुआ मोलर हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी तो आपको पता ही है कि हीट कैपेसिटी किसकी बात करते हैं, वैसे तो मोलर लिखा हुआ तो मोलर का मतलब कि एक मोल के लिए बात होगी, तो यानी आपको सी की वैल्यू निकालनी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म नहीं बोला गया, मतलब आपको सी सिर्फ निकालना है, सीपी या सीवी नहीं निकालना है, ठीक है। आपको फार्मूला पता है, सी इज इक्वल टू ये आपका डेल्टा क्यू या डी क्यू और अपान ये आपका हो जाएगा म्यू और यहां पर हो जाएगा डी टी। तो अगर हम एक मोल की बात करेंगे मोलर के केस में तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो यहां पर 1 हो जाएगी, तो ये सी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी क्यू और अपान में क्या डी टी, और डी क्यू को आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से ओपन करिए, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस में डी डब्ल्यू और अपान में हो जाएगा क्या डी टी। ध्यान रखिएगा यहां पर गामा नहीं, यहां पर वी होगा, ठीक है, तो सी इक्वल टू डी यू, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, सी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपान में डी टी। इसको आप कोई इक्वेशन बना लीजिए या एक काम और कर लीजिए, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं, तो सी इक्वल टू हो जाएगा देखिए डी यू अपान डी टी और प्लस यहां पर डी डब्ल्यू को आप ओपन कर लीजिए पी डी वी और ये अपान में डी टी। अब इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन और आप देख लीजिए सी की वैल्यू आपको जो निकालनी है वो सी वी और आर वी और अल्फा इन सब के टर्म में निकालनी है। अब ये अल्फा वगैरह क्या है वो यहां पर इस वाले फार्मूले में, इस वाले एक्सप्रेशन में आपको अल्फा दिख रहा है, ठीक है। तो डी यू अपान डी टी हमें निकालना है और पी डी वी अपान डी टी, और आप देखिए सारे ऑप्शन में पहले सी वी लिखा हुआ है, तो हमने आपको पीछे ये फार्मूला ही बताया कि सी इक्वल टू जब आप लिखते हैं डी क्यू अपान डी टी एक मोल के लिए, तो अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर बात करेंगे तो ये सी पी हो जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर बात करेंगे तो डी क्यू अपान डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऐसे लिखा जाएगा, है ना, ऐसे लिखा जाएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, लेकिन कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो डी क्यू लिखा है वो डी क्यू ही रहेगा, वहां डी क्यू का मतलब है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ प्रेशर वाले फार्मूले में डी क्यू को ओपन करेंगे तो लिखेंगे डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन यहाँ ओपन करेंगे तो सिर्फ डी यू आएगा क्योंकि डी डब्ल्यू हो जाएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में जीरो। तो आप जब इसको यहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ओपन करिएगा तो क्या हो जाएगा डी यू डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में डी डब्ल्यू और अपान में ये डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखिए सी वी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पर आएगा डी यू और डी डब्ल्यू को हम बोलते हैं पी डी वी, और आप बोल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू जीरो, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो, तो सिर्फ यहाँ से डी यू बचेगा और अपान में डी टी बचेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो सी वी होगा उसमें ये जो डी क्यू आया था वो कन्वर्ट हो जाएगा डी डब्ल्यू जीरो होने से डी यू अपान डी टी में, तो यहां से आप चाहे डी यू अपान डी टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं सी वी लिख सकते हैं, तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्या सी वी और प्लस में पी और यहां पर आएगा डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी अभी आपको कहीं से मिला नहीं है, और dv by dt यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन आपको यहां पर दिख रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप इसी को कर लीजिए डिफरेंशिएट, कैसे t इक्वल टू t नॉट कांस्टेंट है e पावर अल्फा v, इसको आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करिए तो dt अपॉन dv इक्वल टू हो जाएगा t नॉट e वाले फंक्शन का होता है, e वाला जो फंक्शन रहेगा वही, और उसके बाद अल्फा v को डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा बाहर निकल जाएगा और v को लिखेंगे dv by v का हो जाएगा 1, है ना, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v का हो जाएगा 1 और ये अल्फा एज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। और देखिए t नॉट e पावर अल्फा v ये पूरा जो टर्म है ये पहले वाला t ही है, तो हम चाहे तो यहाँ पर t लिख सकते हैं t इंटू में ये अल्फा इज इक्वल टू dt अपॉन क्या dv, dt अपॉन dv इक्वल टू t इंटू अल्फा हो गया, तो हमें तो dv अपॉन dt चाहिए तो dv अपॉन dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में t इंटू अल्फा, और ये 1 अपॉन में t इंटू अल्फा को आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे ही आप रखेंगे तो c इक्वल टू बनेगा cv प्लस
टी और डीवी अपान डी टी की जगह पर लिखेंगे 1 अपान टी इंटू अल्फा, तो 1 अपान यानी ये हो जाएगा पी अपान में टी और क्या अल्फा। लेकिन ऑप्शन आपका प्रेशर के टर्म में नहीं है, आर के टर्म में है, तो आप एक मोल गैस की जब बात होती है तो आप ये इक्वेशन यूज करते हैं पी वी इक्वल टू आर टी आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां से पी बाई टी को निकाल लीजिए, पी बाई टी इक्वल टू हो जाएगा आर अपान वी, तो पी बाई टी की जगह पर आर अपान वी रखिएगा और अल्फा भी है अपान में, तो आर अपान ये वी और ये अल्फा, तो सी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपान वी इंटू अल्फा या अल्फा इंटू वी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, सी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपान अल्फा इंटू वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये आपके एग्जाम के सवाल है और टोटल 11 सवाल आई थिंक होंगे, 11 या 12 जो आपके एग्जाम के हैं, फिर लास्ट में 6-7 और करेंगे। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1.84 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन आपको पता है डाइएटॉमिक गैस होती है, हाइड्रोजन एक डाइएटॉमिक गैस होती है और इसका रूट मीन स्क्वायर VRMS जो है वो दिया हुआ है 1.84 किलोमीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन के लिए। तो करें कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज गिवन बाई, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पर आपको VRMS बताना है। तो आपको पता है VRMS का फार्मूला, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला होता है ये 3RT अपान में m, जहां पर m मतलब है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का मास, ठीक है, तो 3RT अपान में m। अगर दोनों ही सवाल में बोल रहे हैं कि एट द सेम टेम्परेचर, यही दो चीजें थी बाकी तो पूरा कॉन्स्टेंट था, तो VRMS अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो ये मोलर मास पर डिपेंड करेगा, तो VRMS प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अंडर रूट m, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहां से अगर हम रेशियो निकालें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के VRMS के लिए, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया हाइड्रोजन के लिए और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन के लिए, तो यहां पर ये उल्टा रिलेशन है, तो यहां पर आपको मिलेगा m फॉर ऑक्सीजन और अपान में m फॉर हाइड्रोजन, है ना, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको लिखना है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन आपका H2 के फॉर्म में। एक ऑक्सीजन की बात करें तो ये 8 और यहां 16 होता है, दो ऑक्सीजन है तो 16 × 2 करेंगे 32 आएगा, 32 ग्राम। H2 की बात करें, एक हाइड्रोजन की बात करें, ये वाला हाइड्रोजन है पहला वाला 1H1 नॉर्मल हाइड्रोजन, एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 ग्राम, ये एक मोल का मास हो जाएगा या मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, 32 ये और 2 ये, तो यहां पर लिख लीजिए ऑक्सीजन के लिए 32 और हाइड्रोजन के लिए 2, कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो V हाइड्रोजन अपान V ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, आपको निकालना V ऑक्सीजन, तो V RMS फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू V RMS फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, और हाइड्रोजन के लिए V RMS कितना है 1.84 और डिवाइडेड बाई 4, आप इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 0.46 यूनिट, जो पहले था वही हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन ही काफी स्पेशल है इसमें। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कैपिटल टी, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज स्मॉल एम, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस इज स्मॉल एन, यहाँ स्मॉल एन जो है वो यूनिट वॉल्यूम में नहीं, टोटल पूरे गैस में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्मॉल एन बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले कितने मॉलिक्यूल हैं आपको उनकी संख्या बतानी, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके एग्जाम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिए। ग्राफ आपको पता होगा जो मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आपने देखा था, वो कर्व कुछ इस टाइप का था और ये था आपका नंबर हैविंग वेलोसिटी भी, और ये यहां पर हम दिखा रहे थे क्या वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका ये ग्राफ था, और आपको पता है जिस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी के होते हैं वो वाली वेलोसिटी कौन सी थी, वो वाली वेलोसिटी आपकी थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बगल में इससे कम, इससे ज्यादा वेलोसिटी वाले, इससे ज्यादा जो वेलोसिटी थी उसकी अगर हम बात करें या उनकी संख्या की बात करें, संख्या इससे थोड़ी कम और स्पीड थोड़ा सा ज्यादा, इस वाले लोगों का नाम, इनका नाम क्या था, ये कौन सी स्पीड थी जो कम लोग चल रहे थे लेकिन ज्यादा ये वैल्यू थी, तो ये थी आपकी एवरेज, और तीसरा जो कि इससे भी ज्यादा स्पीड है और उससे भी चलने, उससे चलने वाले लोग सबसे ज्यादा कम थे, वो आपकी थी क्या VRMS, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कैसे याद रखें कौन वैल्यू ज्यादा है, RAM है ना, आर ए एम मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए मतलब एवरेज और एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल, यानी जो VRMS की वैल्यू होगी, आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी जो VRMS वाली वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एवरेज वाली वैल्यू से, और जो एवरेज वाली वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी मोस्ट प्रोबेबल वाली वैल्यू से। तो ये जो स्पीड की वैल्यूज होती है इनका ये सिक्वेंस आपको याद रखना, ठीक है ना, सिक्वेंस याद रखना, रेशियो आता है 1.73, 1.61 और 1.41, ये इनका रेशियो आता है, ठीक है। बाकी इन तीनों के फार्मूले आप देख लीजिए,
फार्मूले क्या थे, वीआरएमएस का फार्मूला क्या था, एक मोल के लिए बात करें अगर तो ये हो जाएगा 3RT अपान में m, और इसके बाद यहां पर v एवरेज के लिए हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका फार्मूला 3, और ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 8RT अपान में m पाई m, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू हो जाएगा 2RT अपान में m। ध्यान रखिएगा ये एक मोल की बात हो रही है, और जब एक मोल की बात होगी यहां r होगा और यहां पर मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होगा, एक मोल की बात हो रही है। और इसी फार्मूले को, इसी एक मोल गैस के लिए जो आपने लिखा होगा, इसी फार्मूले की अगर आप बात करें तो आप इसको k के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3KT और अपान में यहां पर m, है ना, यानी r अपान m की जगह पर k अपान स्मॉल m हो सकता है, ये बन जाएगा 3KT और यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास, यहां पर भी हो जाएगा आपका 8KT और अपान में पाई और ये स्मॉल m, और यहां पर आपका हो जाएगा ये 2KT और अपान में स्मॉल m, स्मॉल m मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। तो जब एक मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे तो यहां पर आपको इस जो कांस्टेंट एक मोल के लिए r होता था वो यहां पर k हो जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और किसी भी वेलोसिटी वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक फार्मूला हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जो आज थ्योरी में नहीं था, इसको देख लीजिए, v वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पर हो जाएगा ये आपका फार्मूला, यहां पर हो जाएगा m अपॉन 2 पाई kbt, और इसके पावर में 3/2, और e पावर माइनस mv स्क्वायर और अपॉन में 2kbt बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 पाई और यहां पर लिख देते हैं v स्क्वायर। ये है v वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, v वेलोसिटी, v स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, और हमें यहां सवाल में क्या निकालना है, कौन सी वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निकालना। तो मोस्ट v वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या के लिए ये फार्मूला है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले के लिए जहां v लिखा है वहां पर v मोस्ट प्रोबेबल, यहां पर भी v मोस्ट प्रोबेबल, और यहां पर भी v मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पर m, और अपान में ये 2 पाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट t पावर 3/2 इनटू, यहां देखिए e पावर माइनस, e के पावर में माइनस m, और v का स्क्वायर, v मतलब मोस्ट प्रोबेबल वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये मोस्ट प्रोबेबल वाली वेलोसिटी का स्क्वायर आप करिएगा, ये वाला फार्मूला आप लिखिएगा एक मॉलिक्यूल के मास के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो 2kt और अपान में क्या आएगा स्मॉल m, और अपान में kt 2kt पहले से था, ये अपान में 2kt पहले से था, और v का स्क्वायर किया तो 2kt अपान m आ गया। अब देखिए 2kt m पूरा इसे कैंसिल हो जाएगा, और बगल में और भी लिखा हुआ 4 पाई और v स्क्वायर मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर, दैट इज 2kt और अपान में स्मॉल m, ध्यान से देखिएगा ये पूरा कैंसिल हो गया, तो e के पावर में माइनस वन आया है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल m, और ये m अपान 2 पाई kt पावर 3/2, और यहां पर हुआ e पावर माइनस वन, और यहां देखिए ये है 2 पाई और 2kt और अपान में m, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि इस पूरे पार्ट को हम चाहे तो इसके अंदर ले जा सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, जब इस पूरे पार्ट को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम थोड़ा सेपरेट करें, इसको हम ओपन करें, जो पावर 3/2 है हम इसको अलग कर रहे हैं, और e पावर माइनस वन को इधर लिख रहे हैं, तो स्मॉल n ये और ये e पावर माइनस वन ये लिख दिया, पावर 3/2 का मतलब कि 1+1/2, मतलब एक बार इसको हम ऐसे लिख लेंगे सेपरेट, और एक बार पावर 1/2 के फॉर्म में, जब सेपरेट लिखेंगे तो क्या आएगा m अपान 2πkt, एक बार लिखा, दूसरी बार हम इसी सेम चीज को लिखेंगे पावर 1/2 में, तो पावर 1/2 और इसका पूरे का पावर 1 मिलाकर के पावर 3/2, है ना, और ये m अपॉन 2kt हमने यहां से अलग किया, क्यों, क्योंकि हम इसको सॉल्व करना चाह रहे थे 4 पाई और इनटू में 2kt और अपॉन में m, अब देखिए 2kt पाई और ये पाई और m और ये m पूरा कैंसिल हो गया, यहां से सिर्फ बचेगा 4, और ये 4 को जब हम इस स्क्वायर रूट के अंदर ले आएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इसके अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 16 होगा तभी तो बाहर निकल के 4 बनेगा, ठीक है, तो अगले स्टेप में अब थोड़ा सा बचा हुआ इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं ये यहां से मिटाते हैं, इन सबको मिटाते हैं, यहां पर एक स्टेप और कैलकुलेशन है सर, हमारा ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू स्मॉल n e पावर माइनस वन, और यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया और इसको हमने अंदर ले गए, और यहां अंदर जो था वो क्या, ये चीज क्या m अपॉन 2 पाई kt, ये हमारा अंदर था इसके पावर में 1/2, और जो बाहर वाला 4 है वो अंदर जाकर क्या बनेगा 16, और देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा n v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू स्मॉल n e पावर माइनस वन, और इसमें क्या बना 8m अपान में पाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर पावर 1/2, ये आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, अगली बार एवरेज वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या,
और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये वाला बस फार्मूला याद रखना है और सारी स्पीड या वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढ लीजिए, एन ई पावर माइनस वन और 8m/π/kT/1/2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग भी तो ये कवर हो जाएगा। अभी हमारे पास 17 सवाल है टोटल। फाइंड द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस इफ द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैसेस इज 5/3। नंबर डेंसिटी का रेशियो दिया है एंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज 4/5। यानी आपको नंबर डेंसिटी का रेशियो दिया है और आपने मीन फ्री पाथ के इस फार्मूले में इतना तो देख ही लिया है कि लैम्डा इक्वल टू 1/√2πn² फिर n की जगह पर आता है p/kT ऊपर जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा √2π और यहां पर p और d स्क्वायर, फिर n की जगह पर ρ/m आता है, m ऊपर जाता है, ये हो जाएगा m/√2π और यहां पर ρ और d स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले हो गए मीन फ्री पाथ के, है ना, और ये है हमारा नंबर डेंसिटी। तो हमें सवाल में नंबर डेंसिटी यानी n1 और n2 इसका रेशियो दिया हुआ कितना, ये रेशियो दिया हुआ 5/3 और मॉलिक्यूलर डायमीटर का भी रेशियो दिया हुआ है यानी डी और डी का, डी1 और डी2 का, ये है आपका 4/5। तो यहां से आप देखिए इस वाले फार्मूले से पता चल रहा है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n और d स्क्वायर है। तो दो अलग अलग केस में रेशियो लेंगे तो λ1/λ2 इज इक्वल टू, ये जब रेशियो लेंगे तो उल्टा ही आएगा, तो यहाँ पर आपको λ1/λ2 तो यहाँ मिलेगा n2/n1 और मिलेगा d2/d1 लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, उल्टा इसलिए मिल रहा है, ये 1 2 है, यहाँ 2 1 2 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, स्विच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप n2/n1 की वैल्यू रख लीजिए, तो n1/n2 5/3, n2/n1 3/5 और d1/d2 है 4/5, तो d2/d1 5/4 इसका स्क्वायर, तो 5/4 और इसका स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, 1/5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, 5×3 15 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो ये आ जाएगा मीन फ्री पाथ का एवरेज सॉरी रेशियो 15/16 ऑप्शन नंबर सी, 15/16 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर। ये वो सवाल है जो कि आपके पेपर में गलत दिया हुआ है, गलत इन द सेंस उससे फिर कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, ऐसे लेके चलेंगे तो आपका जो आंसर वो बता रहे हैं वो आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ 0.8 होना चाहिए 0.7 तभी आपका सही आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपके पेपर में गलत छपा हुआ है। तो 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर, मतलब जो 5.6 लीटर था कंप्रेस करके 0.7 लीटर हो गया, प्रोसेस कौन सा फॉलो किया है, एडियाबेटिक प्रोसेस, वो भी कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर एज टी नॉट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है और आपको फार्मूला पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला μr/γ-1 (T1 - T2) ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला। क्या क्या चाहिए, हमें गामा चाहिए, हमें म्यू चाहिए, हमें T1 चाहिए, हमें T2 चाहिए। T1 सवाल में दिया है, T0 रख लेंगे, हमें T2 पता करना, हमें म्यू पता करना, हमें गामा पता करना। ठीक है, तीनों पता करके इसमें रख देते हैं, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी एंड गामा इज इक्वल टू, आपको पता है CP/CV इज इक्वल टू ES/ET इज इक्वल टू 1+2/degree ऑफ फ्रीडम। और यहां बात किसकी चल रही है, हीलियम गैस की, हीलियम गैस मोनो एटॉमिक गैस है, आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िरॉन, रेडॉन, ये सभी नोबल गैसेस आपके मोनो एटॉमिक नेचर की हैं। तो ये मोनो एटॉमिक गैस है और मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल टाइप का होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे 3 रखेंगे तो गामा की वैल्यू आएगी 1+2/3, दैट मींस अब इसको डिवाइड करके नहीं रखना है आपको डेसिमल के टर्म में, तो ये आपका 5/3 हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है ना, गामा की वैल्यू मिल गई हीलियम मोनोटॉमिक गैस के लिए, गामा, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता करना है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें, इनिशियल वॉल्यूम ये है और फाइनल वॉल्यूम ये है ना, इनिशियल वॉल्यूम ये है और फाइनल वॉल्यूम ये है। एक बात बताइए कि जो 0.7 लीटर आपके पास फिलहाल में जो ये गैस है, अगर आपको इसका निकालना हो, या सॉरी सॉरी, ये 5.6 लीटर जो आपके पास गैस है, इस 5.6 लीटर का अगर हमें निकालना हो, क्या हमें निकालना हो इसका नंबर ऑफ मोल, हमें अगर इसका निकालना हो कि ये कितने मोल गैस थी आपके पास इनिशियली, तो देखिए एक बात याद रखिएगा कि एसटीपी पर, अब ये थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें है, एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। तो 22.4 लीटर का मतलब कि कितने मोल, 1 मोल, तो इसका मतलब अगर एक लीटर है तो कितना मोल, 1/22.4 मोल, और अगर ये आपका है कितना 5.6 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 और अपान में 22.4, इतना मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल्स। और आप देखिए एक एक डिजिट पर डेसिमल हटा दीजिए, इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा ना, 4×6=24,
और 4 × 5 = 20 और 2 = 22, तो यहां से ये कैंसिल होकर के 4 आएगा, यानी 1/4 mole. नंबर ऑफ मोल जो म्यू लिखा था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4. तो आपको गामा मिल गया, आपको म्यू मिल गया, बस आप टी टू निकाल लीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा. और टी टू निकालने के लिए अगर आपको इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको गामा दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए पॉइसन लॉ का जो दूसरा फार्मूला वो यूज करेंगे. आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा था टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, तीसरा था टी पावर गामा अपॉन पी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका फार्मूला था. तो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में यहां पता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन. आपको टी टू पता करना है, टी टू, तो टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको देखिए टी वन और वी वन अपॉन वी टू पावर गामा माइनस वन. टी वन की जगह पर क्वेश्चन में टी नॉट दिया है और वी वन मतलब इनिशियल वॉल्यूम है 5.6 और वी टू मतलब फाइनल वॉल्यूम है कितना 0.7 और पावर में गामा की वैल्यू है 5/3 हीलियम के लिए माइनस में 1, तो ये हो जाएगा आपका टी नॉट. और अब देखिए अगर जैसा कि सवाल में 0.8 लिखा है, अगर 0.8 लिखेंगे तो डिवाइड करने पर यहां 7 आएगा और 7 का आप इसको जब माइनस करिएगा तो ये 7 का क्यूब रूट नहीं हो पाएगा ऐसा कि आपका कोई आंसर आए. लेकिन अगर आप यहां 0.7 लिख रहे हैं तो डिवाइड करने पर आ रहा है 8 और 8 पावर यहां पर देखिए सिंपलीफाई कर रहे हैं तो 5 - 3/2, 5 - 3/3 यानी कि 2/3 और 8 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2/3, तो इसका 3 और ये 2/3 का 3 कैंसिल, 2/2 करेंगे 4 आएगा. तो टी टू इक्वल टू कितना हो गया, टी टू इक्वल टू हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4t0, है ना. ये चीज सिंप्लीफाई नहीं हो पाती अगर आप यहां पर 0.8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तब. तो बस टी टू मिल गया, म्यू मिल गया, गामा मिल गया, सब रख दीजिए. तो डब्ल्यू एडिया बैटरी यहाँ निकाल लेते हैं, म्यू की जगह पर 1/4, आर की जगह पर आर, गामा की जगह पर 5/3 माइनस 1, टी वन और माइनस में टी टू, ये है, सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये आर, तो 2/3 देखिए कितना आएगा, ये आर अपान 4 है, तो आर अपान 4 और यहां से सॉल्व करने पर 2/3 ऊपर चला जाएगा, माइनस इसमें से हो जाएगा माइनस में 3 और टी नॉट, मल्टीप्लाई करने पर 3 और 3 = 9, 4 और 8, तो माइनस में 9/8 और आर टी नॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 9/8 आर टी नॉट. तो 9/8 आर टी नॉट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. और माइनस आपको ये बोल रहा है, माइनस आपको ये बोल रहा है, आपको पता है कि डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव आने का क्या मतलब और डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या मतलब. डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब कि वर्क डन बाई द सिस्टम और डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना. तो ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम को बता रहा है, बाई द सिस्टम नहीं है. न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगा 9/8 और आर टी नॉट, ठीक है ना. हाँ क्वेश्चंस गलत है, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, जो पेपर आप लोगों ने प्रोवाइड किया है उसमें ऐसा ही सब छपा हुआ, आपने देखा भी होगा, है ना. तो ऐसी मिस्टेक्स तो है बहुत सारे सवालों में, इसी वजह से उन सवालों के आंसर नहीं आते, है ना. तो अभी तक आपको पता है मैकेनिक्स में एक ऐसा सवाल है जिसमें जो डाटा चाहिए वही नहीं मिला, वो डाटा ही नहीं था इस वजह से उसका आंसर नहीं आया, बाकी तो सारे पकड़ में आ गए कि जिसमें जो गलत है या जो भी लैंग्वेज वगैरह का प्रॉब्लम है वो तो पता चलता गया. एक सवाल ऐसा है जिसमें वहां पर कौन सा डाटा रखें उसको चेक करना होगा, है ना, रिवर्स प्रोसेस में चेक करना होगा कि वहां पर क्या डाटा देना चाहिए था जैसे हमारा वो आंसर मैच कर जाता जो वो बता रहे थे. अगला सवाल देखिए, द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ अ गैस इज कैपिटल टी एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉल एम, देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दैट गैस विल बी, ठीक है. सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही है, आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला पूछ रहे हैं. गैस का टेंपरेचर टी है, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है, मतलब एक मॉलिक्यूल के टर्म में फार्मूले को लिखना है, है ना, मॉलिक्यूल के मास और उसके टर्म में लिखना है. तो आपको पता है वीआरएमएस का फार्मूला होता है अंडर रूट 3RT अपान में m. जब आप मोल के टर्म में लिखना चाहेंगे ये मोलर मास होगा और ये आपका r आ गया. जब मॉलिक्यूल के टर्म में यही फार्मूला होता है, मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना चाहे तो r अपान m, k अपान स्मॉल m के इक्विवेलेंट होता है, तो यहां 3 k और t और यहां स्मॉल m हो जाएगा. मतलब ध्यान रखिएगा जब k लिखते हैं तो अपान में जो मास होगा वो एक मॉलिक्यूल का होता है, और जब r लिखते हैं तो हमेशा याद है कि r वाली बात हमेशा एक मोल वाले फार्मूले में आता है. तो ये एक मोल के बारे में अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये मोलर मास है, एक मोल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है. तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला ही पूछ रहे थे, तो ये फार्मूला हो जाएगा 3 kT/m, ठीक है, आरएमएस का. बाकी फार्मूले याद है ना आपको, एवरेज वाला फार्मूला क्या है, ये है आपका 8RT/πm और ये आपका दूसरा लास्ट वाला है मोस्ट प्रोबेबल वाले में क्या आता है 2RT/πm, ये तीनों फार्मूले, ठीक है. चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया. अगला क्वेश्चन कार्नो इंजन, हाँ ये सवाल आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था जो छूट गया था उस दिन, उस वाली क्लास में नहीं हो पाया था. इसमें भी एक गलती है ना, आप लोग दुखी हो जाएंगे सुनकर, बट इसमें भी गलती है
और इस गलती को समझिए क्या गलती है कि कार्नो इंजन वर्क्स बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस इट्स इफिशियंसी इज 50% द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल इफिशियंसी टू थियोरेटिकल इफिशियंसी इज एक्चुअली जो इन्होंने जैसे ऑप्शन बनाए हैं और जिसको ये करेक्ट बता रहे हैं उसके लिए ये चीज होना चाहिए यहां पर और ये चीज होना चाहिए यहां पर यानी उल्टा रेशियो इन्होंने पूछ लिया है। अगर ये ऐसा स्विच करके आप इंटरचेंज करके पूछेंगे तब इसका करेक्ट आंसर आएगा जो कि उन्होंने दिया भी है और अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है देख लीजिए दोनों बातें समझ लेते हैं। तो कार्नो इंजन ये हुआ आपका ये सोर्स हुआ हाई टेम्परेचर ये आपका सिंक हुआ लो टेम्परेचर और आपने सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है और सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है इसको इसने कुछ हीट लिया Q1 और बाकी हीट इसको दे दिया Q2 और इसने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया W। इफिशियंसी का फार्मूला आपको पता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन क्या T1। ये जो इफिशियंसी आता है ये कार्नो हीट इंजन की जो इफिशियंसी है मतलब ये थियोरेटिकल इफिशियंसी हम यहां से निकालेंगे कि थियोरी बोलती है कि ऐसी इफिशियंसी इतनी होनी चाहिए है ना ये थियोरेटिकल इफिशियंसी निकल के आएगी बट ये एक्चुअली क्या कर रही है वो सवाल में दिया हुआ कि इसकी जो एक्चुअल इफिशियंसी है वो 50% है 50% है ना। तो eta equal to आपको पता है 1 minus T2 मतलब low temperature, T1 मतलब high temperature, Kelvin में लिखना है, तो ये आपका जो low temperature है वो 27 है, 273 add करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 300 और T1 227 है, 273 add करेंगे 500, दोनों जीरो से cancel होगा, 1 minus 3 by 5 यानी 2 by 5, ये हुआ आपका actual efficiency, लेकिन percentage में अगर पहले इसको convert कर लें, तो ये हो जाएगा 2 by 5 into में 100, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 40%, ये आपको मिल गया theoretical efficiency, और ये जो दिया हुआ है वो है आपकी एक्चुअल इफिशियंसी रियलिटी वाली। ठीक है तो सवाल में बोल रहे हैं कि एक्चुअल इफिशियंसी और थियोरेटिकल इफिशियंसी का रेशियो एक्चुअल इफिशियंसी टू थियोरेटिकल इफिशियंसी। तो अगर हम एक्चुअल इफिशियंसी देखिए एक्चुअल इफिशियंसी और अपान में थियोरेटिकल इफिशियंसी का रेशियो निकालें थियोरेटिकल इफिशियंसी का परसेंटेज निकालें द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल इफिशियंसी टू थियोरेटिकल इफिशियंसी तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। एक्चुअल इफिशियंसी कितनी है 50% भाई या तो दोनों को परसेंटेज में रखिए या तो दोनों को फ्रैक्शन में रखिए है ना वो चीज इक्विवेलेंट होनी चाहिए परसेंटेज में करेंगे तभी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और अगर आप फ्रैक्शन में रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल इफिशियंसी 50% और थियोरेटिकल इफिशियंसी 40% और ये इनटू में 100 तो इनके परसेंट से इनका परसेंट हुआ गायब। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल ये इसको आप कैंसिल किया 2 कितना हो गया 4 × 2 = 8 2 बचा 4 × 5 = 20 25 और 5 = 125% यानी अगर हम एक्चुअल इफिशियंसी और थियोरेटिकल इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो ऑप्शन में 125% होना चाहिए नहीं दिया है। और अब ये जो पूछ रहे हैं है ना मतलब अब अगर इसका उल्टा करके पूछे तो ये यही रहे थे लेकिन इसका उल्टा करके देखिए थियोरेटिकल इफिशियंसी कितनी 40% थियोरेटिकल 40% और एक्चुअल कितनी 50% इंटू में 100 ये कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 × 5 × 100 ये हुआ 20 मल्टीप्लाई किया 80% इसका आंसर आपका 80% आपके पेपर में दिया हुआ है। तो उस हिसाब से यहां होना चाहिए थियोरेटिकल इफिशियंसी टू एक्चुअल इफिशियंसी तब जाकर के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना तो दोनों तरह से हमने दिखा दिया आपका आंसर भी आ गया और जो आना चाहिए था वो भी आ गया। चलिए आगे बढ़े तो ये सवाल छूट गया था उस दिन वाली क्लास में और ये सवाल में लैंग्वेज भी गलत था तो ये बताना बहुत जरूरी था। ठीक है ना चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज अल्फा द बल्क मॉडुलस ऑफ गैस एट टेंपरेचर टी इज ई द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी देन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सीपी माइनस सीवी इज। अब आप बताइए बात किसकी हो रही है ये बात किसकी हो रही है वहां यहां तो वैसे मेंशन नहीं है लेकिन ऑप्शन से देख के आप बता सकते हैं। तो हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए किसके लिए आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV इक्वल टू R होता है लेकिन बल्क मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के टर्म में CP माइनस CV इक्वल टू TE अल्फा स्क्वायर V ध्यान रखिएगा अल्फा स्क्वायर V होता है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टर्म का स्क्वायर किया इन्होंने V का स्क्वायर E का स्क्वायर और ऐसे स्क्वायर ही नहीं किया तो TE अल्फा स्क्वायर V ये फार्मूला होता है। बाकी आइडियल की बजाय अगर रियल गैस की बात करें जो कि हमारा अगला सवाल भी है ये आपके एग्जाम में आया हुआ है CP माइनस CV इक्वल टू कितना होता है ये R 1 + 2A और अपान में RTV ये होता है आपका रियल गैस के लिए मॉडल स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस। दोनों के दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए गए दोनों के दोनों ये भी पूछ लिया गया और ये भी आगे वाले सवाल में मिल जाएगा। ठीक है चलिए तो अगला देख लेते हैं ये वाला हमने आंसर लिख दिया यहां पर तो यहां पर आपका ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है मतलब रियल गैस की बात हो रही है तो CP माइनस CV कितना हो जाएगा है ना डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब CP माइनस CV तो ये हो जाएगा R ब्रैकेट में 1 + 2A / RTV ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ये CP माइनस CV की वैल्यू होगी रियल गैस के लिए। ठीक है रियल गैस के लिए
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस रिमेंस कांस्टेंट फाइंड द टेंपरेचर एट व्हिच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। करें क्वेश्चन में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है गैस का, तो फाइंड द टेंपरेचर, वो टेंपरेचर बताइए जिस टेंपरेचर पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 27 वाले रूट मीन स्क्वायर की आधी हो जाए। तो आप देखिए फार्मूला आपका VRMS क्या बोलता है, VRMS इक्वल टू होता है अंडर रूट 3RT अपान में m, और सेम गैस की बात कर रहे हैं सिर्फ टेंपरेचर बदल रहे हैं, तो यहां से आप लेंगे V1 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2। आपसे मान लीजिए पूछ रहे हैं क्या, आपसे वो टेंपरेचर पूछ रहे हैं, वो टेंपरेचर मतलब T2 पूछ रहे हैं, और V2 की जो बात हो रही है वो कह रहे हैं V1 की आधी। V1 वाली वैल्यू अगर V है, पहले रूट इस 27 पर अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी V है, तो वो टेंपरेचर बताना जिस पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी की आधी हो जाए, ऐसा है ना। और ये T1 का मतलब है 27 प्लस 273 300 हो जाएगा, 300 केल्विन अपॉन T2। ये जो आपका इक्वेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के रेशियो का, V1 V2 की वैल्यू रख दीजिएगा, T1 की वैल्यू रखिएगा, T2 आपको मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल ही हो जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा आपका स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करके ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 और अपान में T2, तो यहां से T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 अपान में 4, ठीक है। तो 7 और ये 75 और टेंपरेचर केल्विन में, यानी T2 आ जाएगा कितना 75 केल्विन, यानी 75 केल्विन पर रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होगी वो 27 वाले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की आधी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो 75 के लिए आप देखिए T2 इक्वल टू अगर 75 केल्विन दिया हुआ है, अच्छा सॉरी यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 75 केल्विन में आएगा, तो 75 केल्विन को आप अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 ऐड किया था, अभी इसमें से 273 माइनस कर लीजिए, तो जब माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 198 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये सब आपके एग्जाम के सवाल है। अगला सवाल है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर इज, मतलब एक रूम टेम्परेचर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर दो गैसों की बात हो रही है, नियॉन और ऑक्सीजन। नियॉन जो कि मोनोएटॉमिक गैस है और ऑक्सीजन जो कि डाईएटॉमिक गैस है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है एट द सेम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही दोनों गैस की बात हो रही है, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलती है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइनल रिजल्ट को देखें तो आपने ये पढ़ा हुआ कि अगर म्यू मोल गैस है और उसके टोटल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके अंदर जो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका फार्मूला एक तो 1/2 × F × RT होता था, म्यू मोल की बात होगी तो इसी में म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू मोल गैस के सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल एनर्जी की वैल्यू। सवाल में सेम टेम्परेचर पर दोनों की सिचुएशन को रखा गया है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, सेम ही होगा या वन होगा, तो अगर हम रेशियो लेना चाहे तो K1 अपान K2 अगर लें, सब कुछ कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा F1 अपान F2, और ये मान लीजिए 1 जो है वो किसकी बात कर रहा है, नियॉन की, K नियॉन, और अपान में ये आपका हो जाए K ऑक्सीजन। तो आपको पता है K जो है, नियॉन जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है, और मोनोएटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 होती है, वो भी ट्रांसलेशनल टाइप की, और डाईएटॉमिक गैस की बात करें इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3 और इसमें आ जाएगा क्या 5, है ना, नियॉन और ये ऑक्सीजन, 3/5 ऑप्शन नंबर डी, 3/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां से सारे सवाल वो हैं जो पेपर में आपके नहीं आए थे, बट कुछ पीछे कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, थियरी में हमने वो सवाल ऐड कर दिए। जैसे इस सवाल में आप देखिए, बस ज्यादा नहीं 10 मिनट और लेंगे, मुश्किल से आपका 8 सवाल है। मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी इज दिस, पी प्रेशर टी टेम्परेचर पर ये मीन फ्री पाथ है, तो करें कि इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर मीन फ्री पाथ कितना होगा, यानी मीन फ्री पाथ का फार्मूला आपको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में पता करना होगा। फार्मूला याद हो गया होगा, लैम्डा इक्वल टू 1/√2πsmallnd² और इज इक्वल टू यहां पर होता है kT, और ये √2πn की जगह पर p आया था, और यहां पर होता है आपका m, और ये हो जाएगा √2πn की जगह पर आया था क्या ये रो और ये d², ये फार्मूला था। आपको टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिजल्ट चाहिए, यहां से आप देखिए कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है टी अपान में पी, है ना, ये दिख रहा है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी अपान पी। तो अगर दो केस में मीन फ्री पाथ का रेशियो लेंगे तो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा टी 1 अपान टी 2, लेकिन ये तो उल्टा है, तो ये हो जाएगा पी 2 अपान में पी 1।
अब सवाल से वैल्यू रख लीजिए, लैम्डा वन मतलब पहले जो मीन फ्री पाथ था वो कितना था, 2 × 10⁻⁶ निकालना है आपको लैम्डा टू इज इक्वल टू टेम्परेचर पहले कितना था टी और बाद में कितना है टी, तो टी अपॉन टी इंटू पी टू मतलब प्रेशर बाद में कितना है पी इंटू 10⁻⁶ और पहले वाला प्रेशर कितना है, पहले वाला प्रेशर सिर्फ पी है, पी से पी कैंसिल, टी से टी कैंसिल और 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी लेक्चरर 2021 के दोनों ही पेपर में, एक ही साल जो हुए थे उन दोनों ही पेपर में ये सेम सवाल पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टू गैसेस ए एंड बी हैव सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, दो गैसेस हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, मिक्स किया गया, मिक्सर हैज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैज वी एंड टी, तो मिक्सर का प्रेशर बताना, यानी सिचुएशन आप देख लीजिए क्या है, सिचुएशन ये है कि ये एक कंटेनर में गैस है, एक और कंटेनर में गैस है, एक और कंटेनर में दोनों को मिक्स किया गया है, ये ए हुआ ये बी हुआ और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, कितना प्रेशर है पी वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी, यहाँ पर प्रेशर पी वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी, यहाँ पर वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी, प्रेशर नहीं पता है वो पता करना है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन ए थे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन बी थे, दोनों को मिला दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन ए प्लस एन बी हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए आप गैस का इक्वेशन यूज करिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में, पीवी इक्वल टू एन के टी वाले कॉन्सेप्ट से, पीवी इक्वल टू एन के टी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, तो पीवी इक्वल टू एन के टी से अगर आप चाहें तो एन ए निकालना चाहें तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी एन ए इक्वल टू कितना आएगा, एन ए इक्वल टू आएगा प्रेशर वॉल्यूम अपान के और टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली यहां से निकालेंगे एन बी इक्वल टू कितना जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम अपान में कॉन्स्टेंट और ये टेम्परेचर टी, और यहां से जब आएंगे आप तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन ए प्लस एन बी है, यही सेम इक्वेशन यूज करेंगे लेकिन जहां एन लिख रहे थे वहां एन ए प्लस एन बी लिखेंगे, तो यहां पर आएगा प्रेशर को पी डैश बोला, वॉल्यूम वी है और अपान में के और टेम्परेचर क्या टी, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर थ्री, तीनों के लिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टर्म निकाल लिया, और एन ए प्लस एन बी इसकी जगह पर ये और ये आप लिख लीजिए, तो जहां एन ए और एन बी लिखा आप देखिए एन ए की वैल्यू और एन बी की वैल्यू बिल्कुल सेम चीज दिख रही है, बिल्कुल सेम चीज, तो दोनों को जोड़ेंगे दो गुना हो जाएगा, तो 2 × p × v अपान में k into t इज इक्वल टू पी डैश वी और अपान में के टी, पूरा कैंसिल, वी से ये वी कैंसिल, पी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 2p, पी डैश इक्वल टू 2p आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को सिर्फ आपस में ऐड कर देना था आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा, नोट्स में सारा सॉल्यूशन हमने कर दिया है। द स्पीड ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स आर वी टू वी थ्री वी रिस्पेक्टिवली, तो इनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, ध्यान दीजिएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जब हम बात करते हैं, यानी जब हम वी आर एम एस की बात करते हैं, तो आपने ये फार्मूला तो पढ़ा है 3 RT/m, लेकिन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हमने आपको बताया था इसको यूज करने का तरीका, रूट मीन स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर करना होगा, उसका मीन लेना होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तब जाकर के वीआरएमएस बनेगा। तो वेलोसिटी तीन अलग अलग वेलोसिटीज की अगर बात करें, v1 स्क्वायर, दूसरा v2 स्क्वायर और तीसरा अगर v3 स्क्वायर, तीनों अगर जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी अगर हमें पता है तो हमें उन वेलोसिटीज का स्क्वायर लेना होगा, फिर उनका मीन, मीन मतलब एवरेज, तो इनका एवरेज लेना, जोड़ेंगे, तीन लोग हैं तो तीन से डिवाइड भी करेंगे, और अब इसके बाद रूट लेंगे, रूट मतलब स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट, ये बन गया आपका वीआरएमएस, और सवाल में v1 v2 v3 ये दिया हुआ, रख लीजिए यहां पर वैल्यू, v1 की जगह पर v स्क्वायर, v2 की जगह पर 2v स्क्वायर और v3 की जगह पर 3v स्क्वायर और अपान में क्या 3, तो कितना आ जाएगा, v यहां से कॉमन हो जाएगा और रूट के अंदर मिलेगा आपको 1 प्लस यहां पर 4 और प्लस यहां पर क्या 9 अपान में 3, 13 और 1 = 14 यानी 14/√3 और इसको जब आप डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2.16 भी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.16 और यहां बाहर क्या आ जाएगा v आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो वीआरएमएस का ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी कैपिटल ई ऑफ द गैस, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या, जैसे आपने नंबर डेंसिटी देखा, मास डेंसिटी देखा, पॉपुलेशन डेंसिटी देखा, वैसे एनर्जी डेंसिटी भी है कि पर यूनिट वॉल्यूम के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, है ना, फार्मूला ये डिराइव हो चुका है पीछे, बट यहां सवाल में हम शॉर्ट में कर सकते हैं, प्रेशर का फार्मूला 1/3 × (m)/n/v और ये v स्क्वायर का बार, आपको पता है ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये पूरा मल्टीप्लाई करके पूरे गैस का मास देगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और पूरे गैस का मास अपान वॉल्यूम और ये हो जाएगा v स्क्वायर का बार, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ये बनेगा 2/3, इसके साथ में यहां पर v रहेगा, लेकिन जो 2 से हम डिवाइड करेंगे वो इसके साथ लिख रहे हैं 1/2 m और ये v स्क्वायर का बार, तो
तो ये देखिए 1/2 m into v² का बार, ये जो है ये एनर्जी का फार्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ही होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया, यहाँ पर v² का बार है, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गया, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपान में वॉल्यूम, तो p इक्वल टू अगर हम 2/3 मान लीजिए, इसको हम सिंबल दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ई डैश, और ये अपान में है वॉल्यूम, तो ये है टोटल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, है ना, और ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप कर देंगे तो इसको आप एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, इस एनर्जी डेंसिटी के लिए सिंबल हम ई इस्तेमाल करें, यूज करें, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू 2/3 e, जहां e एनर्जी नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है या एनर्जी डेंसिटी है। हमने आपको थियरी में इसी चीज का सिंबल हमने ये ले लिया था, तो बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा सिंबल किसके लिए यूज हुआ है, आप कुछ भी यूज करिए, है ना। तो ये एवरेज एनर्जी यहाँ पर ये क्या थी, ये आपकी जो है वो एवरेज एनर्जी है टोटल, और ये है आपकी एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ये, तो इसको सिंबल इन्होंने ई बोला है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे 2/3 e, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर, तो तीनों का फार्मूला पता है, तो वी आर एम एस वाला फार्मूला क्या था, ये फार्मूला आपका था 3 RT/m, है ना, मोल के फॉर्म में, और ये वी एवरेज था आपका 8 RT/πm, और लास्ट में आपका जो वी मोस्ट प्रोबेबल था इसका फार्मूला है अंडर रूट, और यहाँ पर आएगा 2 RT/m, आपको पहले और तीसरे में रिलेशन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल के टर्म में, देखिए यहाँ जहाँ 2 लिखा, अगर यहाँ 3 आ जाता तो फिर हम इसी को वी आर एम एस बोल देते, तो 3 है नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 3 को तो हम यही लिख देंगे RT/m के फॉर्म में, और ये हमारा 2 यहाँ पर ऑलरेडी था, और जिससे डिवाइड किया हमने ये लिख लिया, देखिए 2 RT/m, 2 RT/m, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, और ये 3 RT/m स्क्वायर रूट के अंदर, ये 2/3 √ के अंदर, तो v मोस्ट प्रोबेबल इसको अलग अलग कर लीजिए रूट के अंदर 2/3, और ये जो पूरा पार्ट रूट के अंदर बचेगा 3 RT/m, इसी को हम लोग बोलेंगे VRMS, तो ये बन जाएगा आपका 2/3, और बाहर आ जाएगा क्या VRMS, तो v मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू √2/3 VRMS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है कि इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एफ, देन द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में काफी ज्यादा फेमस है, सवालों के स्टेप में यूज होता है बीच में, और डायरेक्टली ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, या मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए आपसे अलग से पूछ सकते हैं, वो वैल्यू निकालने के लिए भी आपको सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता रहे तो आप गामा की वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए गामा इक्वल टू होता है CP/CV इज इक्वल टू होता है ES/ET इज इक्वल टू होता है 1+2 / डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ऐसे याद रखिए, सबके सब याद हो जाए इसी, ठीक है, तो जैसे भी गैस की बात होगी मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, उसके अकॉर्डिंग आप गामा भी कभी भी निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबका पता है, ये 3 होता है, इसमें 3+2 = 5 होता है, और इसमें लीनियर नॉन लीनियर वाली बात है, नॉन लीनियर है तो 6 और लीनियर है तो 5, बाकी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये 5 का हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर 7, 6 का हो जाएगा 7, 5 का हो जाएगा 6, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 का 3 रहेगा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, तो 1+γ = 1+2/f, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, 2+1/f नहीं, अच्छा ये पीछे वाले सवाल का होगा फिर ये, तो हाँ 17 नंबर है ना, तो 17 नंबर में 1+2/f होता है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल इज एफ, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो 1+2/f, ऑप्शन नंबर, अच्छा एटॉमिसिटी, हाँ ये ठीक सवाल है, एटॉमिसिटी करके अगर कुछ पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिए, एटॉमिसिटी मतलब कि कितना, मतलब ये मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है, ये चीज एटॉमिसिटी बता रही है, जैसे इसकी एटॉमिसिटी 1, इसकी एटॉमिसिटी 2, अगर ये ट्राई एटॉमिक है तो इसकी एटॉमिसिटी 3, मतलब आप मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक की तरह जा रहे हैं, तो इस तरफ जाने पर एटॉमिसिटी इंक्रीज हो रही है, ये मोनो एटॉमिक था, ये डाई एटॉमिक है और ये ट्राई एटॉमिक है, तो एटॉमिसिटी इंक्रीज हो रही है, और एटॉमिसिटी जब इंक्रीज होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आप देख लीजिए, अगर आप इसको इग्नोर करें, हमने बोला था इन जनरल ट्राई एटॉमिक के लिए 6 वाली बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, कब, जब एटॉमिसिटी बढ़ रही, तो एटॉमिसिटी बढ़ने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने पर गामा की वैल्यू घटेगी, क्योंकि अपान में आ रहा है, 1 तो हर बार प्लस होगा, 2 के अपान में आ रहा है, तो एटॉमिसिटी बढ़ने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने से गामा की वैल्यू घटेगी, तो ये है एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक, ये एटॉमिसिटी है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 3 सवाल और, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एज टेम्परेचर टी इज, ठीक है, अब यहां पर देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर टी इज,
एक बात तो है कि इस सवाल में ये दिया नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ये नहीं दिया हुआ है। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल, जब भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो इसका मतलब एक मोल, है ना। और आपने अभी अभी पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल की, है ना, इक्विपार्टीशन एनर्जी में एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी 1/2 × kT। फिर एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल की, एक मोल मतलब Na मॉलिक्यूल की, Na मॉलिक्यूल की, लेकिन एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी, इसका Na टाइम्स, तो 1/2 Na × k × t, और यही बनेगा 1/, ये दोनों मिलाकर के R, 1/2 RT। फिर अगर एक मोल की बजाय अगर हम, अच्छा एक मोल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा था, अब आप लिखिए एक मोल का पूरे F डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी, तो इसका फार्मूला बनेगा 1/2 × F × RT। फिर आप लिखिए F A की जगह पर F मोल, न्यू मोल, सॉरी न्यू मोल की, न्यू मोल की F डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 × μ × F × R × T। चार स्टेप हो गए। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल का बताना है और गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक गैस है, और वो भी, अच्छा इसमें ये नहीं बोला कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मतलब सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की चाहिए, मोनोटॉमिक गैस के सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की टोटल एनर्जी बतानी है एक मॉलिक्यूल के लिए। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी होती है 1/2 kT, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में पता करनी हो तो हो जाएगा 1/2 × F × k × T। ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल का एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक मोल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये है एक मोल का एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक मोल का नहीं पूछा है, एक मॉलिक्यूल का पूछा, तो यहां पर एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 × F × k × T, और बात मोनोएटॉमिक की हो रही, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू कितनी, 3, यहां 3 रखेंगे तो 3/2 × k × T। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी आप निकाल रहे हैं ये ट्रांसलेशनल फॉर्म में है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है, 3/2 kT ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही मॉलिक्यूल की बजाय मोल की बात करता है, एक मोल की, तो यही k की जगह पर r आ जाता, बाकी कोई भी चेंज ना होता। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर अलोन इफ इट्स, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लगाकर गैस को हम लिक्विफाई कर पा रहे हैं, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है। तो आपको पता है कि अगर गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तक है तो सिर्फ प्रेशर लगा करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर गैस का टेम्परेचर इससे ऊपर चला गया, कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, लिक्विफाई नहीं होने वाला। तो आप बोलेंगे टेम्परेचर इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल हो या उससे कम हो, तो ऐसे में हम सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके, सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से, चलिए लास्ट सवाल है, इसके बाद आप आजाद हैं, कि रिलेशन बिटवीन बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज। तो सारे के सारे फार्मूले आपको याद होना पड़ेगा ना, कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8/27, है ना, A/RB, ये सब आपको याद होना चाहिए, हमें भी याद है, है ना। पीसी का फार्मूला होता है क्या, ये होता है आपका 8/27, एक मिनट, A/27B², ये फार्मूला होता है, और आपका जो VC होता है इसका फार्मूला होता है 3B, और आपका जो बायल टेम्परेचर होता है इसका फार्मूला होता है A/RB, और आपका जो ये इन्वर्जन टेम्परेचर होता है इसका फार्मूला होता है 2A/RB, और आपका जो क्रिटिकल कोफिशियंट होता है RTC/PCVC, इसका फार्मूला होता है 8/3। सब याद होना चाहिए, सबको सब याद होना चाहिए, ये सब का सब। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्रिटिकल टेम्परेचर और बायल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी ये और बायल टेम्परेचर का मतलब ये, इनके बीच में रिलेशन बनाना कितना आसान है। A/RB को हम बोलते हैं TB, बायल टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू 8/27, और A/RB की जगह पर बायल टेम्परेचर लिखेंगे। बायल टेम्परेचर को पहले लिखना है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर बायल टेम्परेचर इक्वल टू, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 27/8 और TC, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, तो TB इक्वल टू 27/8 × TC, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, और देखा जाए तो थर्मोडाइनेमिक्स में मैक्सिमम जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा कुछ हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बचता है रेडिएशन टॉपिक, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, यानी अगली क्लास इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी। इसके 3 प्रीवियस ईयर भी होंगे रेडिएशन के जो पूछे गए हैं, उनको भी करेंगे, और जो थियरीज के टॉपिक्स हैं उनको भी हम वहां पर समअप करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।